नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल उर्दू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। सर्दी से बचाव को कंबल मिलते ही खिल उठे दिव्यांग जनों के चेहरे। भीषण सर्दी का कहर लगातार जारी है। असहाय और जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए जिला प्रशासन का प्रयास लगातार जारी है। भीषण सर्दी को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार के बाहर अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र के द्वारा करीब 125 दिव्यांग जनों को कंबल वितरित किए गए। सर्दी से निजात दिलाने के लिए किए गए सराहनीय प्रयास के लिए दिव्यांग जनों ने अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र की जमकर तारीफ की। और जैसे ही सर्दी से बचाव के लिए कंबल दिव्यांग जनों को मिले, उनके चेहरे खिल उठे। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। राम मोहन जी, आज अपर जिला अधिकारी महोदय के द्वारा दिव्यांगजनों को कंबल वितरण किया गया है। कितने दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किए गए हैं? करीब 150 आदमी है मेरे पास। एस डी आर डीएम एडीएम साहब राम जी बहुत अच्छे सम्मान काबिल है, ड्यूटी के होंगे, वो हर साल देते कंबल। वो भाई हम लोग परिवार वाली राजनीति नहीं कर तो अच्छे है, कोई मजाक कोई धर्म हो हमारे लिए विकलांग हर जात का अच्छा है। हम सबके लिए जीना चाहते हैं और सबको दिबाना है। कमर दबाए करीब 150 कमर दबाए, हमें ऐसे नहीं करते जैसे परिवार वाली विराज हमारा भैया ये तथा जी, ऐसे नहीं। जो आएगा उसे 60 साल हुई, जो हमें 10-20-30 आदमी बढ़ गए 60 साल, सबको ही मेरे दिबाया और सबके लिए मैं जीना चाहता हूँ। अपने परिवार के लिए नहीं, जनता के लिए जीना चाहता हूँ। हमारे जैसे उपाध्यक्ष है, महामंत्री जे मेहनत करते संघर्ष करते, और डीएम साहब को बधाई देंगे, एडीएम साहब को, मैं जिला को सबको, आप पत्रकार सबको बधाई देंगे इस मामले में। कंबल वितरण की बहुत मैं बहुत खुशी से आपका दिव्यांगजनों को आज आपके द्वारा कंबल वितरण किए गए हैं। कितने दिव्यांगजनों को सर इसका लाभ मिला है? ये लगभग 125 दिव्यांग भाई बंधु हैं हमारे, और माताएं बहनें भी हैं इसमें, और जैसे कलेक्टर प्रसवन जी हैं साथ में, और अभी एक दिव्यांग समिति भी है, उसके माध्यम से निडी पर्सन से 125 के ऊपर इनको ब्लैंकेट वितरण किया।